अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ डेली व्लॉगिंग इन पाकिस्तान। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि ये वीडियो प्योरली मेरे ओपिनियंस पे बेस्ड है और आप लोग मेरे ओपिनियंस से डिसएग्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे जो है वो फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या क्रिएट कर रहा है या कौन क्या देख रहा है, लेकिन आजकल जो चल रहा है उस पर जो है वो बात करके हम जो है वो डार्क साइड को एक्सपोज करेंगे डेली व्लॉगिंग की। ये वीडियो जो है वो टैग के रिलेटेड भी है और टैग से थोड़ा हटके भी है, तो मेरे दोनों चैनल पर अपलोड होगी। तो आप जिस भी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर क्यों बहुत सारे क्रिएटर्स अब डेली व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए हैं या डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस क्यों डेली व्लॉगिंग देखना पसंद करती है, क्या ये डेली व्लॉगिंग रियल होती है या फेक होती है, और क्यों जो है वो अच्छे क्रिएटर्स जैसे कि उखानो, इरफान जुनेजो, मोरो, आर बाई वासिफ जैसे क्रिएटर्स ने अपलोड करना कम कर दिया है अपना कॉन्टेंट जो कि रियल में व्लॉग्स कहलाते थे। तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। तो बात करते हैं 2017-2018 से, जब YouTube जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा था पाकिस्तान में और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स इमर्ज होके हमारे सामने निकल के आ रहे थे। कोई वाइंस बना रहा था, कोई एंटरटेनमेंट जो है वो इंडस्ट्री में अपना कंटेंट बना रहा था, कोई टैग, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा था, कोई रोस्टिंग कर रहा था, तो कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था अपने पैशन और शौक के हिसाब से हर कोई वीडियोज़ बना रहा था और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स देखने के लिए मिले। लेकिन बात आती है 2021 से 2022 पे, जब जो है वो व्लॉगिंग का हमें एक और जो है वो रूप देखने के लिए मिलता है जो कि आप कह सकते हैं डेली व्लॉगिंग। यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे व्लॉगर्स को रोज़ अपनी जो है वो पर्सनल लाइफ या अपनी पर्सनल फैमिली, अपने पर्सनल जो फ्रेंड, पर्सनल जो काम वगैरह जो है वो दिखाते हुए देखते हैं, और यहाँ पर ऑडियंस को भी ये देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और देखते ही देखते इसकी जो है वो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रो कर जाती है। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस यहाँ पे 70-80% हो जाती है पाकिस्तान में, और हम जो है वो लोगों के जो है व्लॉग्स, शादी के व्लॉग्स, उसने नई गाड़ी ली, उसने क्या जो है वो अपना सर जो है वो टकला कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो है वो पर्सनल चीज़ें देखना जो है वो पसंद करते हैं और ऐसी वीडियोज़ को यहाँ पर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर पहुँचाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ट्रेंड करती है ऐसी वीडियोस, और उसी वजह से जो है वो ये सारे व्लॉगर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं, और यही वजह है कि क्यों ज़्यादातर क्रिएटर्स जो है वो अब डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, और जो लोग पहले गेमिंग, रोस्टिंग या एंटरटेनमेंट जो है वो कंटेंट बना रहे थे वो भी अब डेली व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। और इसकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर टीन एज ऑडियंस है, 18-25 ईयर्स की जो ऑडियंस होती है, जो कि एडिक्टेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है किसी भी चीज़ से। तो रिसर्च के हिसाब से ये डेली व्लॉगिंग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। किस तरह से, आप लोग सोच रहे होगे कि हमें तो काफ़ी जो है वो ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि आप जो है वो किसी और की लग्जरी लाइफ को देख के जो है यहाँ पर उस थॉट्स में चले जाते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास भी होती, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ऐसा नॉर्मली बैठते हैं तो सोचते हैं यार क्या मसला है, हमें तो बड़ा मज़ा आता है व्लॉग्स देखने में, एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन ये थॉट जो है वो आप में आ ही जाता होगा। ये एक नेचुरल सी बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप ये ऐसा सोचते तो ये कोई शर्म की बात है, लेकिन किसी और की लग्जरी लाइफ को देख के हमें भी ऐसा होता है कि ये काश चीज़ हमारे पास भी होती। और फिर डेली व्लॉगर्स ने फिर शुरू किया अपनी फैमिलीज को लाना, अपनी वाइफ, अपनी माँ, बहन, बेटी वगैरह को व्लॉग्स में ले आना। अगर वो लड़की है तो वो खुद ही जो है व्लॉग में आती है, तो लाखों जो है वो व्यूज़ यहाँ पे पार वैसे ही हो जाता है पाकिस्तानी ऑडियंस को, तो आप जानते ही हैं। तो रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें वैसे भी गलत ही है, और हम एक जो है वो मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो कहा है अभी तक कि ये जो डेली व्लॉगिंग में अपनी वाइफ को दिखाना, अपनी माँ बेटी को दिखाना, कोई अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। और उसी चीज़ को देख के एक और भी व्लॉगर था, मैं यहाँ पे आपको जो है वो उसकी पिक्चर लगा दूंगा, उसने जो है वो क्विट कर दी है पर्सनल फैमिली व्लॉग्स जो है। जी हाँ, वो अब पर्सनल फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेगा, उसने इंटरव्यू में बताया। और ये मैंने फैसला लिया, बाकी अब फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी व्लॉग में, मैं आऊँगा। थोड़ा बहुत जो है वो बता रहा था इस्लाम के रिलेटेड
कि भाई ये होता है और मैं अब जो है वो अपनी वाइफ वगैरह को नहीं दिखाऊंगा और सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग तरीके से जज करते हैं। जी हाँ, ऑडियंस जब देखेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकदार में ऑडियंस देखती है और तो फिर जज भी करती है, इसके साथ शादी जो है वो इसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, ये ज़्यादा प्यारा है, वो ज़्यादा प्यारा है वगैरह वगैरह, जो कि एक सही बात नहीं है। और तो आपको अपनी पर्सनल फैमिली दिखानी ही नहीं चाहिए, अपनी पर्सनल प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे रोल आउट ही नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, लोग देखेंगे तो जज भी करेंगे ही। यहाँ पे दूसरा जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि क्रिएटर्स की 100% यहाँ पे गलती नहीं है, वो लोग वही क्रिएट कर रहे हैं जो आप लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप जो है वो यहाँ पे व्लॉग देखना छोड़ ही दे तो जो आप देखेंगे वो लोग वो क्रिएट करना शुरू कर देंगे। आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखिए, वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें दूसरों की फैमिली इसको देखना है, दूसरों की गाड़ियों को देखना है, दूसरों की जो है वो शादी को देखना है, शादी की पहली रात को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी जो है वो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या देख रहे हैं। लेकिन एक जो है वो यूट्यूबर के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको जो है अच्छा कंटेंट ही दिखेगा। जैसा कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं वैसा ही वो लोग बनाते हैं, और उससे वो लोग लाखों रुपए जो है वो बना लेते हैं। कितना कमा रहे हैं वो हम जो है वो एग्जैक्टली नहीं जानते, और ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, वो लोग ब्लॉग्स में जो है वो ऐसा शो करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यूट्यूब उन्हें इतने पैसे दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा अलग बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि उन्होंने डेली व्लॉगिंग करके यहाँ पे मास सफदर की अगर बात कर ले तो उन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च कर लिया, अपना रेस्टोरेंट भी खड़ा कर लिया, और ऐसी चीज़ें जो एक बिजनेसमैन 30-35 साल में कर सकता है वो उन्होंने 20-25 साल में करके दिखा दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने ही उन्हें प्यार दिया इतना, तो डेली व्लॉगिंग से उन्होंने कमाया और यहाँ पे आज वो एक बिजनेसमैन भी है। तो ये पूरा बिजनेस है। डकी भाई जिससे आप जो है वो देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ देखते हैं, ईट्रॉन जीटी जो है वो देखते हैं, उनकी यहाँ पे उनकी लेजेंडर देखते हैं, तो ये सब ये यूट्यूब के पैसों से आए या ना आए, लेकिन आपने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और उस पैसों से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल बिजनेसेस पे काम किया है, और आज वो जाहिर सी बात है लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहीं पे है और वहीं के वहीं रह के उनके बस व्लॉग्स देख रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि क्या ये व्लॉग्स रियल होते हैं या फेक होते हैं, मतलब स्क्रिप्टेड होते हैं या रियल लाइफ वो लोग दिखा रहे होते हैं कि आज हमने नई गाड़ी ली, आज हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, यहाँ पे हम घर के बाहर फंस गए, घर में घुसने नहीं दे रहे, माँ बाप ने डांट दिया, ये वो, क्या उन्हें पता होता है पहले से कि माँ बाप डांटने वाले हैं या वो नई गाड़ी लेने वाले हैं? जाहिर सी बात है सारी चीज़ें प्लान होती है। ऑफकोर्स ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, कोई भी चीज़ रियल नहीं होती, बल्कि व्लॉगर्स को इतना जो है वो यहाँ पे आदत हो जाती है व्लॉगिंग करने की कि यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है वो ऑफ कैमरा अगर कोई अच्छी लाइन या कोई अच्छा डायलॉग बोल दे तो कैमरा चालू करके उन्हें बोलेगी कि यार ये लाइन जो है वो दोबारा रिपीट होकर यार मुझे रिकॉर्ड करनी है, व्लॉग बनाना है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा जो है वो फेक रियल लाइफ वो लोग आपको दिखाते हैं। उनके लाइफ में तो ये सब चीज़ें सच में हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो प्लान्ड है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में कोई मुसीबत ही ना आए, ठीक है, कोई मसले मसाइल ना आए। वो लोग तो वो चीज़ें तो आपको दिखाते नहीं, क्योंकि वो चीज़ें आपको देखना जो है वो पसंद ही नहीं। जी हाँ, वो लोग तो वही दिखाएंगे जो आप जो है देखना पसंद करेंगे, शादी की पहली रात, यहाँ पे खुशियाँ, लग्जरी गाड़ी और वगैरह वगैरह, आप सब जानते हैं, फैमिली वगैरह को, वाइफ वगैरह को आप लोग देखना पसंद करते हैं, तभी वो लोग दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेक होती है। फिर मैं बात करने वाला हूँ उन क्रिएटर्स के बारे में जो कि रियल जेम्स है और पाकिस्तान में जिन्होंने व्लॉगिंग को एक नाम दिया है, जैसे कि हमारे इरफान भाई, मोरो भाई, युखान जैसे क्रिएटर्स जो कि रियल में एक व्लॉगर कहलाने के लायक है। ड्रोन शॉट्स, बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग, बीजीएम का जो है वो ख्याल रख के जो है वो एक वीडियो तैयार की जाती थी और फिर जो है वो अपलोड की जाती थी। ऐसा नहीं कि डेली व्लॉगर्स की तरह कैमरा उठाया, सीन जो है वो रिकॉर्ड किया और यहाँ पे जो है उसे सॉफ्टवेयर में लाया, स्प्लिट किया, मर्ज किया, एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दिया और यहाँ पे कोई ऐसा हुक टाइप का जो है वो टाइटल डाल दिया कि घर के बाहर रह गए, डांट दिया, माँ बाप ने, शादी की पहली रात, लग्जरी गाड़ी वगैरह जैसे हुक जैसे टाइटल वो लोग डाल के सिर्फ जो है वो कंटेंट अपलोड नहीं कर देते थे, बल्कि प्रॉपर मेहनत होती थी और ब्लॉगिंग को एक नाम दिया था उन्होंने पाकिस्तान में। लेकिन क्यों उन्होंने डालना कम कर दिया कंटेंट, उनका क्वालिटी कंटेंट क्यों अब कम हो चुका है? आप लोगों की वजह से, क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें रिटर्न देना कम कर दिया है। जी हाँ, आप लोग उन्हें अब नहीं देखते,
रिटर्न में उन्हें कुछ ऐसा खास मिलता नहीं रिस्पॉन्स, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने कॉन्टेंट भी अपलोड करना कम कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने जो है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर ली कि क्यों व्लॉग्स नहीं बनाना चाहिए और क्यों व्लॉग्स नहीं देखने चाहिए। बाकी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात कर ली कि आप ही वो लोग हैं जो कि यहाँ पे क्रिएटर्स को इंसिस्ट करते हैं कि वो लोग व्लॉग्स बनाएं, क्योंकि आप लोग देखना पसंद करते हैं तो वो लोग बनाना पसंद करते हैं, जिससे वो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो क्रिएटर्स की 100% गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग वही बनाएंगे चीज़ जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी फैमिली वगैरह को इंक्लूड करने के अलावा भी व्लॉग्स क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप जो है उसके बगैर देखना पसंद करें तो। यहाँ पे क्रिएटर्स की भी कुछ हद तक गलती है, लेकिन ऑडियंस की यहाँ पे 70-80% मेरे हिसाब से गलती ऑडियंस की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप जो है वो मेरे ओपिनियन से यहाँ पे अगर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये वीडियो बनाने में जो है वो यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सोचनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करनी पड़ी, और एक कलेक्टिव वीडियो बनाने में ज़ाहिर सी बात है मेहनत लगती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है और आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आगे चल के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे चल के हम कुछ और चीज़ों की भी जो है वो डार्क साइड देखेंगे या उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। एक दो टॉपिक पहले से माइंड में है, अगर ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वो वाली वीडियोस भी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, खैर आएगी तो ज़रूर, रिस्पॉन्स आए नहीं आए क्योंकि जाहिर सी बात है आप इरफान जुने जो और मोड़ो जैसे क्रिएटर्स को रिस्पॉन्स नहीं देते तो मेरे क्या से रिस्पॉन्स देंगे। तो वीडियो तो आएगी, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस ओके आ जाएगी आपके सामने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।